सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के फर्स्ट पेशेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, कोरोना वायरस ने अभी 28,000 पेशेंट बना दिए पूरी दुनिया में। तो उसका फर्स्ट पेशेंट कौन था और किस तरह से उसे कोरोना वायरस लगा, तो देखेंगे हम इस वीडियो में। पूरा एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स पेशेंट के बारे में, या फिर इसे आम बोलचाल में पेशेंट जीरो भी कहा जाता है। अब पेशेंट जीरो क्या होता है? किसी भी वायरस का फर्स्ट अटैक्ड पर्सन पेशेंट जीरो या फिर इंडेक्स पेशेंट कहलाता है। कोरोना वायरस का इंडेक्स पेशेंट कौन है? कोरोना वायरस का इंडेक्स पेशेंट है 57 ईयर्स ओल्ड फीमेल वी जुजियान। वी जुजियान चाइना के वुहान शहर में ही रहती है, जो कि वुहान सीफूड मार्केट में श्रिम्स झींगे बेचा करती थी। एक दिन उन्हें नॉर्मल सा बुखार हुआ, पास के ही क्लिनिक में तुरंत जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया। लेकिन ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होने पर अगले दिन 10 दिसंबर को वी जुजियान 11th हॉस्पिटल गई और वहां से भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फ्लू लगातार बढ़ता गया। 16 दिसंबर को वी जुजियान फेमस हॉस्पिटल वुहान यूनियन हॉस्पिटल में गई। वहां पे कुछ लोग आ चुके थे सेम सिम्टम्स के, बट वी जुजियान में कुछ अलग तरह के सिम्टम्स नजर आए डॉक्टर्स को। तुरंत ही डॉक्टर्स ने वी जुजियान को आइसोलेट कर दिया और उधर से इस कोरोना वायरस ने जन्म लिया। अब इस वायरस ने वी जुजियान को किस तरह से इन्फेक्ट किया? वी जुजियान का मानना है कि मीट सेलर्स के साथ में शेयर किए गए मीट्स के टॉयलेट के कारण उनमें ये वायरस आया, मगर स्टडीज के मुताबिक उनमें ये वायरस जूनोसिस के कारण आया। अब जूनोसिस क्या होता है? अगर कोई भी वायरस स्पीशीज की बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, मतलब कोई एक वायरस है मंकी में और वो वायरस कैट में आ गया, तो एक नए वायरस का जन्म होता है, तो इसे जूनोसिस कहते हैं। अगर वी जुजियान के मामले में इस वायरस का किस तरह से जन्म हुआ, स्टडीज के मुताबिक ये वायरस बैट चमगादड़ से पेंगुइन में आया और पेंगुइन से इस वायरस ने वी जुजियान को इन्फेक्ट किया। वी जुजियान के मुताबिक अगर चाइनीज गवर्नमेंट पहले से ही एक्शन ले लेती इस वायरस के अगेंस्ट, तो ये वायरस बहुत ही कम हो सकता था। और एक स्टडी के मुताबिक भी अगर चाइनीज गवर्नमेंट दिसंबर और जनवरी के बीच में इस वायरस के अगेंस्ट को एक्शन ले लेती, तो इस वायरस को 63% तक कम किया जा सकता। मगर चाइनीज गवर्नमेंट के एटीट्यूड के कारण पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की इस महामारी को झेलना पड़ रहा है। लगभग 28,000 से 29,000 तक डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में, और लगभग 6,00,000 तक पॉजिटिव मामले भी आ चुके हैं कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में। अकेले यूएस में 1,00,000 तक मामले आ चुके हैं। तो लेट्स सी, देखते आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक देके जरूर जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।